नाज़रीन कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह जे एनर्जी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पारा माहौल के गदलान का बचाण नवा लाड़ा मुतारफ़ कराण ए माहौलियाती गदलान जा बुनियादी कारण कड़ा जो उनवान हेठ पंजी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वही उन हवाले से रिपोर्ट किया है एके दाहिरी। क़ायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह जो एनर्जी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पारा माहौल के गदलाइण का बचाण नवा लाड़ा मुतारफ कराण ए माहौलियाती गदलाइण जो बुनियादी कारण कड़ा जे मौजू से पंजी नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी के काजी अब्दुल कवी सेंथाल में मुनक़द कई वही जैमें मुल्क के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के माहिर माहौलियाती प्रोफेसर्स समेत मुख्तलिफ़ मकतब फिक्र के मानून शिरकत कई। उन मौके से शिरकत करण आवाज़ टीवी न्यूज़ से गालाइंदे हाँ कॉन्फ्रेंस है असि कायदेवाम यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल असि कॉन्फ्रेंस कंदा रहा हूँ उन बहुत सिंपोजियम कंदा रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस होंदियों असो एजुकेशनल ए टेक्निकल सेशंस जैमें मुख्तलिफ मू अचन था जो घने यूनिवर्सिटीज का उ माहिर जिन इन फील्ड में जो अस अज की फील्ड है सा है इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड एनर्जी उनमें जो उन्होंने रिसर्च कई होंगी कोशिश कई होंगी तो जो असा लोकल मसाइल जो एनर्जी हैं जो एनवायरमेंट जहाँ वे लोकली कि अस हल कर सूँ ता कि अड़ा अस रिसोर्स हुजन जैसा एनर्जी ऐसो तो केडी महंगी है एनर्जी में अस लाइट बची थी वे जो बिजली है या बहुत शन तो उन्होंने अस लोकली हल कर सूँ तबर है तो हि कायदेवाम यूनिवर्सिटी पोयन काफ़ी साल एनर्जी एनवायरमेंट से रेगुलर कॉन्फ्रेंस कराई हुई पर कोविड के करे बटे साल डिले थी हि पंज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एनर्जी एंड एनवायरमेंट इशू से कॉन्फ्रेंस जो करण जो मेन मकसद यो बार रिसर्च कन था उनके इतने प्रेजेंट कन उनके कॉन्फिडेंस दिनों वे जो नेशनल स्पीकर आया उनके सामू पी रिसर्च के प्रेजेंट कन उन भी मुकाला बुधन गजी कम कन तो जी अस मुल्क जहाँ मसला हल कर सकूँ। एनर्जी एनवायरमेंट असोड़ो अजकल जो तमाम हॉट इशू है असे माशरे के लिए तमाम घना हवा से इशूज आन मौसमियाती तब्दीली ग्लोबल टॉपिक है सारी दुनिया में इन असर पवन पे इन मेन कारण मौसमियाती तब्दीली जो के एक्टिविटीज़ आज जो कुछ बेन कंट्रीज में थन थी उनको असर असा पे तो जो वे में वो मिसाल है मौजूदा जो टे महीने अग में आयल मीहन की सूरत में उन मीहन के कर इवन असो इदारा जो सो तकरीबन ब महीना पानी के हेठ रो प्लस इन दौर में वो क्राइसिस है एनर्जी क्राइसिस। ये असा कॉन्फ्रेंस असि पंजी कॉन्फ्रेंस है असा मुसलसिल तकरीबन रेगुलरली अस कंदा चाहूँ था नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनर्जी एंड एनवायरमेंट से जी माहौल के असो डिपार्टमेंट जो है इतने तो वो सिंध में पहरी पहरी जी एनर्जी एंड एनवायरमेंट की जी डिपार्टमेंट कायम थी असे ही कायदेवाम यूनिवर्सिटी में थी इन हवाले से असा इतने रेगुलरली मुकर्र कहूँ तो कॉन्फ्रेंस क्यों इतने पार्टिसिपेट अचन इंडस्ट्री जहाँ मूँ अचन यूनिवर्सिटी जहाँ मूँ अचन रिसर्चर अचन तो इतने जी माहौल बाबत असि आगाही दियन मानून की आगाही दियन मानून के शऊर पैदा थे छो तो तमाम वो प्रॉब्लम है असो एयर भी पोल्यूटेड आ वाटर भी पोल्यूटेड आ कंटामिनेट तो थे खराब तो थे गंदलो तो थे प्लस में असो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ सही तरीके से कौन पे थे। फिफ्थ इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जो है एनवायरमेंट एनर्जी के मुख्तलिफ इशूज के एड्रेस कर टिन डी वारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जैमें बी जो टेक्निकल सेशंस होंदा मुख्तलिफ टेक्निकल सेशंस में एनवायरमेंट के हवा से इशूज मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ उन में रिसर्च थी रही है वह प्रेजेंट कई वी आर्टिकल जो प्रेजेंट क्या वा इन अलावा की नोट स्पीकर्स ओवरव्यू ींदा त माहौल के हवा से तवानाई के हवा से पाकिस्तान के सिंध के जो सो वर्ल्ड लेवल से कड़ा मसला दरपेश मैनेज कर सकते तो। कॉन्फ्रेंस में कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समो टंडोजाम ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फतेह मोहम्मद मरी मेहरान यूनिवर्सिटी जामशुर के अगुणे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असलम अकीले प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद मेमुन प्रोफेसर डॉक्टर केशन चंद मकवाणो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम जकरानी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल फताह चांडियो बेन पिण खिताब कयो। कैमरामैन फरमानुल्लाह सां गॾु एके दाहिरी आवाज़ टीवी न्यूज़ शहीद बेनज़ीराबाद।